Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. बीबी हाउस का छोटा सा और जल्दी से सफर खत्म करके पूजा हमारे साथ यहाँ मौजूद है, ढिंचक पूजा हमारे साथ। हेलो, क्या किस तरह का जर्नी रहा है आपका? बिग बॉस का सफर बहुत अच्छा रहा, जितना सोचा था कि लड़ाई होगी ऐसा कुछ, सो मैं बच गई उससे और सब कुछ अच्छा रहा। शो में काफ़ी एंट्री से ही रोई है, हंसी भी है, एंजॉय भी किया है, तो वो कैसा था? सब अच्छा था, बाकी ह्यूमंस हैं, इमोशंस बाहर आते ही हैं, तो जब आपको सहन करना पड़ता है तो आपको आपके जो इमोशंस हैं वो बाहर आते हैं, सो ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं पूजा ऐसा लगता है आपको कि हीना ने या फिर बाकी लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया टास्क ना करने की वजह से? सबका अपना अपना परसेप्शन है, वो करना चाहते नहीं थे इसलिए उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया, नहीं तो आप अगर किसी को समझना चाहते हैं तो आप समझते हैं। अच्छा, वीक के पहले ही हफ्ते में वीकेंड के वार में आपको बुल पे बिठा दिया गया, कितना एक्सपेक्टेड था आपके लिए? मैं एक्चुअली किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेती, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उस पर बैठ कर, और गलत था, सलमान जी ने बोला गलत था, मुझको नहीं भेजना चाहिए था, सिर्फ मैं ही एक ऐसी जनी थी जिसने रूल नहीं तोड़ा था, सब ने तोड़ा था, सो गलत था, लेकिन जब मेजॉरिटी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अकॉर्डिंगली आपके कौन लगता है कि बुल पे बैठने लायक था उस वीक? बुल पे लव बैठने के लायक था, क्योंकि उसको इतनी पावर मिली थी और वो सबको अंदर भेज सकता था, कितने रूल्स तोड़े जा रहे थे, मैं होती तो सबको अंदर भेजती, सो लव था। अच्छा, बिग बॉस में देखा गया काफ़ी इंस्टेंटली आपने 1 आवर 2 आवर्स के अंदर आपने गाने क्रिएट कर दिए बिग बॉस के कंटेस्टेंट को रिलेटेड, जिसके ऊपर भी काफ़ी कुछ बवाल हुआ कि मुझे ये वर्ड नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तो उसको कैसे टैकल किया? उसको मैंने उनसे पूछा कि आपको अगर नहीं पसंद है तो आप चेंज करा सकते हैं, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने कहा ठीक है आप मत आइए, इट्स ओके, तो हमने अपना शूट करा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा हीना को ले लेते हैं, सपना को ले लेते हैं, मैंने कहा ठीक है आप बुला लीजिए, एक दो पता नहीं किसने कहा याद नहीं है, सो उन्होंने कहा कि ये वाली लाइन ऐड कर दीजिए, मैंने वो वाली लाइन ऐड कर दी। पूजा, काफ़ी जल्दी मतलब इंस्टेंटली आपने डिसीजन ले लिया नॉमिनेट होने का, जहाँ बात आती है अगर अपने आप को सेव करने की तो इंसान अपने आप को क्यों नॉमिनेट करेगा, तो आपको क्यों ऐसा फील हुआ कि मैं अपने आप को नॉमिनेट कर लूँ आरशी के अपोजिट? एक्चुअली आरशी रहना चाहती है इस गेम में, उन्होंने मुझे बताया था, सो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बोले अपना नाम, तो मैंने बोल दिया अपना नाम, ठीक है मैं चलूँ। अच्छा, शिल्पा और विकास की अगर मैं बात करूँ तो शिल्पा और विकास के एंगल में आपको कौन लगता है एज अ व्यूअर और एज अ कंटेस्टेंट, आप भी रहकर आई हैं, तो आपको कौन लगता है कि कोई विक्टिम, कौन है विक्टिम और कौन है कल्प्रिट? विक्टिम ऐसा नहीं कि विकास जी रोते हैं तो विक्टिम हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकता है इंसान, और दोनों में से एक तो गलत है, और इतना नहीं मैं समझ पाई क्योंकि मैं समझना नहीं चाहती थी कहीं ना कहीं, वो उनकी खुद की लड़ाई है, वो खुद लड़े और खुद सॉल्व करें, मैं उसमें क्यों अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाऊँ। बंदगी और पुनिश की अगर मैं बात करूँ तो कितना रियल लगता है उनका लव स्टोरी, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो काफ़ी क्लोज दिखाई देते हैं एक दूसरे के, लेकिन क्या लगता है कि कितना लंबा तक चल जाता है? थोड़ा कंटेंट देने की कोशिश की गई है कि एक कपल होता है हमेशा बिग बॉस में, सो कोशिश की है, लेकिन वो रियल जो फेस एक्सप्रेशन दिखते हैं, रियल प्यार जब होता है तो वो नहीं दिख रहे हैं, और जब गौहर आई तो उन्होंने बोला कि खुल कर करिए, तो पुनीश स्टार्ट हो गया, लेकिन बंदगी शर्मा रही है, क्यों शर्मा रहे हो अगर अभी गलत हो, और कहीं ना कहीं उनके घर में भी प्रॉब्लम्स हैं, और पुनीश थोड़ा एज में आई थिंक ज़्यादा है, बंदगी कोई मैच नहीं है, फिर भी वो खींच तान के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, बिग बॉस के घर में ग्रुपिज्म की बहुत ज़रूरत है, ग्रुप बनाने की बहुत ज़रूरत होती है, एक गैंग अप होना ज़रूरी है कंटेस्टेंट के बीच में, और एज अ मतलब नॉमिनेशन की जब बारी आती है तो आप ज़्यादातर किसी से गैंग अप नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपका एक ग्रुप बन गया था आकाश का और अर्शी का सबका, तो वो कैसे अचानक से कैसे ट्यूनिंग कैसे मिल गई? मैं कुछ सोच के नहीं गई थी इसके टीम में ज्वाइन करूँगी या इससे ज़्यादा बात करूँगी, ऐसा कुछ नहीं था, और आकाश ने एकदम से जब रैपर का कुछ फीलिंग आई उनको तो उन्होंने बात करना स्टार्ट किया, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी बात करनी चाहिए, उसका सामने से कदम बढ़ाया जा रहा है, और अर्शी मेरे साथ बैट शेयर करती थी तो वो दोनों लिंक थे, तो मैं भी उनके साथ कहीं ना कहीं लिंक हो गई, बाकी पुनीश मेरा फ़ैन, उसने बताया कि मैं आपका फ़ैन हूँ, आपका गाने सुनता था, बन गई उनके साथ ही, तो वो कहीं ना कहीं टीम अप हो गया, विकास सबसे बात करते तो इनसे भी और उनसे भी ज़्यादा, इनसे बात करते तो विकास। अच्छा, बीच में हमने देखा था आप आकाश पर भी गुस्सा हो गई थी, तो उन्होंने ऐसी क्या हरकत कर दी थी जिस पर आपको बोलना पड़ा? आकाश पे 2 बार गुस्सा आया मेरे को कि वो मुझे धमकी दे रहे थे किसी बात की कि बताऊँ क्या, मैंने कहा बताइए फिर,
मुंह खोलिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मुंह खोल के बताइए, मैं फिर जवाब दूंगी। और दूसरी चीज़, थोड़ा मैं उनको छेड़ रही थी वैसे ही मजाक में, तो उनको वो चीज़ बुरी लग गई कि ज़्यादा नहीं छेड़ना या कुछ है, तो मैंने कहा ठीक है आप आकर बात करिए मुझसे, जो गलत है वो गलत है, मैं उसके लिए स्टैंड लेती हूँ। अच्छा, बिग बॉस हाउस में पूरा मसाला, ओवरऑल पूरा मसालेदार ही होता है बीबी का हर सीज़न, तो ये सीज़न में एक छोटा सा रैपिड फायर हम करते हैं, आप मुझे बताएंगे कि कौन है घर का किस तरह का मसाला, ठीक है? तो आपको क्या लगता है हितेन क्या है घर के? हितेन बहुत ज़्यादा अच्छे से खेल रहे हैं, सबसे बात करते हैं, लेकिन अपना काम करा लेते हैं इनडायरेक्ट कह के, मैंने जानने की कोशिश करी उनको समझने की, सबसे इवॉल्व भी हैं और सबसे नहीं भी इवॉल्व है, तो अपना काम करा लेना बिना कहे कुछ, इनमें क्वालिटी है वो चीज़। अच्छा, घर में अगर कोई फेक कंटेस्टेंट, अगर मैं कहूँ जो रियलिटी नहीं फेक होने का नाटक कर रहे हैं, तो वो कौन हो सकता है? वो अर्शी कुछ कम हो सकती हैं, शिल्पा थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा, पड़ोसी का आपके अकॉर्डिंगली किस तरह का मतलब ये रहा है? पड़ोसी का जैसे दिखाया गया था स्टार्टिंग में कि बहुत ज़्यादा चालाक है, तेज़ है, स्मार्ट है, लेकिन जब रियल में बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत रियल कॉमन पीपल जिससे हम बात करना चाहते हैं, अपनी दिल की फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, इस तरीके के लोग हैं तीनों। अच्छा, कहीं ना कहीं लव के साथ कोई लव एंगल बना आपका? ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं कॉन्टेंट ऐसा बना दिया गया, जब मैं एक फैमिली में रहती हूँ तो कहीं ना कहीं लव मुझसे इतना खुल के बात नहीं कर पा रहा था, तो घर वालों को लगा, मुझे भी लगा कि ऐसा क्यों है, मैंने भी उसको बोला, घर वालों ने बोला उसको, लेकिन वो फिर भी बात नहीं कर रहा, वो शाय फील कर रहा था या उसे कुछ नहीं वो मेरे बता रहा था, उसने मैं गाने सुनता था या जो भी है, सो कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसकी तरफ से कुछ है, तो मैंने उससे पूछा, बात करी, उसने ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब तक घर वाले हमें छेड़ चुके थे, सो ठीक है, कोई बात नहीं। और हल्दी की रस्म भी मनाई गई, वो सब कॉन्टेंट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ सीरियस नहीं था मतलब। ओके, सो घर में सॉल्ट का काम कौन करता है, जिनके बिना हर एक चीज़ अधूरी है? हर एक चीज़ अधूरी है, आई थिंक विकास, घर की तीखी मिर्ची, हर्षी। हल्दी का काम कौन करता है, हर किसी के जख्म पे मलहम लगाना, हितेन। लास्टली फैंस को कोई मैसेज? फैंस को मैसेज ये देना चाहूँगी कि खुश रहिए और ऐसी सपोर्ट करती रहिए मुझे, मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि आपको और फन दे सकूँ। अच्छा, पूजा है हमारे साथ, तो गाना तो बनता है, उनका कोई फेवरेट गाना, तो वो सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले लिया। कैमरामैन फैजान के साथ अनुराधा ठाकुर, टेली मसाला। Hi, this is Dinchak Pooja and you are watching Telemasala.